तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फोटोशॉप लेना है। फोटोशॉप में एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। फाइल हमारा A4 साइज का होगा, जो भी है रेजोल्यूशन इसका कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन फाइल जो है A4 साइज के लेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल जो हम प्रिंटर में जो है A4 साइज यूज करते हैं। ये A4 साइज का हमारा हो गया पेज तैयार। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसमें जो स्केल ऑलरेडी एक रूलर बना हुआ है 8 बाई 11 इंच समथिंग, 11.5 इंच का होता है। अब हमें कोई इमेज लेना है रेफरेंस के लिए, कि हम इसमें कोई इमेज डाल देते हैं। मैं कोई भी इमेज रेफरेंस के लिए ले लेता हूँ। मान लिए मुझे एक इमेज ये वाला प्रेस करना है, और इसको मैं ओपन विद फोटोशॉप कर लेता हूँ। अब इस इमेज को हमने सिलेक्ट ऑल करना है और कॉपी करना है। कॉपी आप यहां से भी कर सकते हैं, एडिट में जाके कॉपी कर लेना है। और एक न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल हम कौन सी लेंगे, जो हमें साइज चाहिए, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कस्टम साइज चाहिए। तो हमें पहले यहां इंच में कन्वर्ट कर लेना है। और मान लिया हमें हाइट चाहिए 2 इंच, विथ हमें चौड़ाई जो है 2 इंच चाहिए, और हाइट जो हमें 3 इंच चाहिए। यहाँ जो रेजुलेशन है वो हमारा जो है 300 होएगा, या 100 कर देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। एन ओके। अब इसको पेस्ट कर लेंगे, और इसको हम इसको साइज इसको जो है जो भी है इसका साइज इसको सेट कर लेंगे, हम इस पेज पे सेट कर लेंगे। अब दोबारा इस इमेज को हम कॉपी करेंगे। और हमने जो A4 का साइज लिया है उस पर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा हम ऊपर करके देखते हैं, तो अभी देखिए ये जो आपकी जो इसकी लंबाई है वो 2 बाई 3 इंच। आप इधर भी देखेंगे क्रॉस यहाँ पे, और यहाँ देखेंगे तो 2 बाई 3 इंच का आपका इसका साइज बन रहा है। फिर हम इसको यहाँ पे फिलहाल दिखा रहे हैं इसको, और इसको एक बार प्रिंट करेंगे कि देखते हैं इसका पहले साइज क्या आएगा। अब हमने ये प्रिंट निकाल लिया है, और हम इसको स्केल से नापे तो आप ये देखेंगे जो हमने साइज लिया था 3 बाई 2, वही साइज आया है। अब ये साइज तो हमारा प्रिंट आ गया सही, लेकिन हम इस पर चेक करेंगे कि वाकई जो हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले का साइज भी तो हमें शो करना चाहिए कि जो डिस्प्ले का साइज है वो ओके है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए मैं मेथड दिखा रहा हूँ कि आप एक्चुअल साइज जो है डिस्प्ले पे कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका जो प्रिंट आएगा एक्चुअल में कितना बड़ा आएगा। तो इसके लिए मैं आपको सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए, कि जो हमने साइज लिया है वो क्या आ रहा है। अब आप ये देखेंगे मैंने इसकी कटिंग कर ली है, लेकिन ये जो साइज है डिस्प्ले पे बड़ा दिख रहा है। डिस्प्ले के हिसाब से ये जो साइज बड़ा है, क्योंकि 3 बाई 2 साइज है, लेकिन डिस्प्ले में ये साइज नहीं दिख रहा। अगर हम इसको एक्चुअल साइज में भी जाते हैं, अब ये देखेंगे इसका फिट ऑन स्क्रीन और एक्चुअल साइज, अभी 100% है, ये 100% दिखा रहा है, लेकिन इस पे जो साइज है वो नहीं आ रहा। ठीक है, ये इसका 100% साइज दिखा रहा है, लेकिन 100% जो साइज दिखा रहा है वो आप ये देखेंगे कि अभी भी 100% साइज जो है वो इसका जो है यार बड़ा हो जा रहा है। अब इसको हमें एक्चुअल प्रिंट दिखना है, कि हमें ये एक्चुअल साइज जो है वो जो हमारा है वो 100% कैसे दिखेगा, कि हम क्लाइंट को एक दिखा सकें कि किस तरीके से उसके हाथ पे जो इसकी बॉडी पे वो कितना बड़ा दिखेगा प्रिंट से पहले आप दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं सेटिंग दिखाने जा रहा हूँ।
ये वेबसाइट है thirdculture.com पे, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको लॉगिन कर लीजिएगा। इसमें जो है ये अलग अलग हमें वैल्यूज डालने हैं, ये वैल्यूज कहाँ से डलेंगे ये आपको बताऊंगा मैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स खोलना है अपने पीसी का, राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग खोलना है। डिस्प्ले सेटिंग में रेजोल्यूशन में जाना है आपको, ये रहा रेजोल्यूशन, ये हॉरिजेंटल वैल्यू है, ये आपका वर्टिकल वैल्यू है, तो ये हॉरिजेंटल वैल्यू और वर्टिकल वैल्यू आपको डालनी है इस पर, वेबसाइट पर डालनी है 19:20 और 10:80। हॉरिजेंटल वैल्यू 10:80, 19:20 10:80 जो है इसका दूसरा वैल्यू है। जो डायगोनल साइज है हमें इसको लेना। अभी डायगोनल साइज क्या होता है? डायगोनल साइज जो होता है आपका स्क्रीन का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये इसका डायगोनल साइज होता है। और इसको हम पहले इसको नापेंगे, इसको नापने के लिए स्केल चाहिए आपको। स्केल मेरे पास जो है ये स्क्रीन से छोटा है, तो इसके लिए मेरे पास एक इंची टेप है, इंची टेप से इसकी साइज लेंगे। मेरे जो स्क्रीन का साइज है वो लेना है, करेक्ट साइज लेना है, तो इंचेस में लेना है हमें। मेरे जो स्क्रीन का साइज है वो अराउंड 14 इंचेस है, 14 इंचेस से कम है, तो हमें करेक्ट साइज लेना है 13.7। अब स्क्रीन का साइज हमने नाप लिया, हमारे स्क्रीन का साइज क्या था 13.7। हम यहाँ इसे वैल्यू डाल लेंगे और सॉल्व पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमारी एक वैल्यू आ जाएगी पीपीआई। पीपीआई जो वैल्यू है वो इसका मतलब है पिक्सल पर इंच। इसको हमें कॉपी कर लेना है और हमें फोटोशॉप में दोबारा जाना है। फोटोशॉप के अंदर एडिट में जाना है, एडिट के अंदर प्रेफरेंस में जाना है, और प्रेफरेंस के अंदर हमें जाना है यूटिलिटी एंड यूनिट्स एंड रूलर्स में। उसके बाद आप जाएंगे तो इस वाले एरिया में आएंगे जहां प्रिंट रेजोल्यूशन और स्क्रीन रेजोल्यूशन आएगा। प्रिंट रेजोल्यूशन से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, हमें स्क्रीन रेजोल्यूशन मतलब, क्योंकि हमें स्क्रीन के बस के एक्चुअल साइज देखनी है, तो हमने यहां पे वो वैल्यू डाल देनी है। देन ओके। अब हमारा ये जो साइज है जो भी दिखा रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता, हमें व्यूज में जाना है, व्यू में प्रिंट साइज में जाना है। अभी प्रिंट साइज जो इस एक्चुअल है वो आएगा। अब अभी देख लिया एक्चुअल प्रिंट साइज आ गया। ये जो साइज है वो साइज है जो कि हम क्लाइंट को दिखाएंगे कि देखिए आपके बॉडी पे जो टैटू बनेगा वो ये साइज का बनेगा, ऐसा दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा। एग्जांपल के लिए मैंने प्रिंट निकाला था पहले ही, और आप इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप ये देखिए दोनों का जो साइज है बिल्कुल ही सेम है, 19:20 का भी फर्क नहीं है। इस तरीके से आप किसी को भी निकालने से पहले कि उनके जो टैटू है क्या साइज आएगा, प्लस एक्चुअल में स्क्रीन पे जो साइज आएगा वो आएगा। एक्चुअल साइज कैसे प्रिंट करना है वो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक्चुअल स्क्रीन पे जो साइज आएगा, जो एक्चुअल में दिखेगा क्या साइज है प्रिंट होएगा, वो आपने ऐसे दिखाना है क्लाइंट को। लेकिन एक्चुअल साइज प्रिंट करने का तरीका मैंने आपको पहले दिखा दिया है कि किस तरीके से हम पहले एक हमारी जो इमेज रिक्वायरमेंट है, साइज रिक्वायरमेंट है, उस साइज का लेंगे, और उस साइज का पेपर लेने के बाद हम उसको पूरी कॉपी करके हम एक ब्लैंक पेज पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जो है वो हम इसको प्रिंट करेंगे, तो हमारा जो साइज है वो सेम आएगा, चाहे आप इस इमेज को कहीं भी शिफ्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस इमेज को कहीं भी शिफ्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो प्रिंट साइज आएगा वो सेम ही आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आपने कुछ नया सीखा होगा, क्योंकि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि सारे कुछ इस तरीके का वीडियो बनाए कि एक्चुअल साइज में प्रिंट कैसे किया जाता है। ज्यादातर लोगों के पास, ज्यादातर जो आर्टिस्ट है उनके पास फोटोशॉप हमेशा अवेलेबल होता है, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, तो हर कोई जो है कोरल ड्रॉ यूज नहीं करता, फोटोशॉप ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन मैं कोरल भी यूज करता हूँ, कोरल में बहुत ज्यादा आसान होता है। मैंने कोरल में एक बार नेम प्रिंट करके दिखाया हुआ है किस तरीके से हम एक्चुअल साइज में प्रिंट करते हैं, लेकिन इस बार मैं फोटोशॉप में आपको दिखाया है फोटोशॉप में किस तरीके से किया जाता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और चैनल को शेयर लाइक जरूर कीजिए, इनके वीडियोस को आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिए, ताकि किसी बिगनर आर्टिस्ट के काम आए।